राजकीय प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूं और जैसा कि आप सभी जानते हैं ये लगातार क्रम हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह रुड़की के महापौर गौरव गोयल जी स्वेटर वितरण करने का काम बच्चों के लिए करते हैं। तो आज हम इस स्कूल में आए, सबसे पहले तो मैं यही पूछ लेती हूँ प्रधानाचार्य जी से कि पहले भी जो महापौर हैं वो पहले भी विद्यालय में आए? नहीं मैम, मेरे सामने तो अभी तक आए नहीं, आज पहली बार आए हैं। अच्छा, आपके सामने पहली जी, बार आए हैं। अच्छा, तो क्या मानना है सर आपका, आपको कैसा लगता है कि सर ने बच्चों के लिए जर्सी स्वेटर वितरित किए हैं यहाँ पर? तो बहुत ही अच्छा काम किया है बच्चों के लिए, सराहनीय कार्य है। आगे भी आशा है कि बच्चों को ऐसे ही इस तरह ही मनोबल बढ़ाते रहें, बच्चों का ध्यान रखें। मैं टीचर से पूछ लेती हूँ। जी मैम बताइए आपका क्या मतलब कैसा लगता है आपको सर ने ये जो शुरुआत की है जर्सी स्वेटर, आज से नहीं सर कई वर्षों से करते हैं, तो आप क्या कहना चाहिए? जी हमें बहुत अच्छा लगा हमारे सर यहाँ हमारे स्कूल में आए और बच्चों के लिए इतना कुछ किया। हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही हमारे सर हमारा और बच्चों का करते रहे अभिनंदन और बच्चों को ऐसे वितरण करते हैं सामग्री, तो हमें अच्छा लगा बहुत। तो क्या कहना है मैम? और सर ने प्रधानाचार्य जी ने कहा कि वो मेरे सामने पहली बार आए हैं, आपके सामने भी पहली बार? सिंह सहायक अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर से। मेरी जब ज्वाइनिंग 2018 में हुई थी तो 2018 में सर आए थे, तो तब उन्होंने काफ़ी सामग्री वितरण की थी। उसके बाद अभी ये मौका मिला है, अवसर मिला है, क्योंकि सभी स्कूल्स में वो आके दे रहे थे, तो हमने भी एक वैसे आने वाले थे लेकिन हमने पहले ही उनसे संपर्क कर लिया, तो ये हमें मौका मिल गया है। तो वेरी वेरी थैंक्स फॉर हिम। ओके सर, आपका क्या कहना है? जैसे गौरव गोयल जी दो बार आ चुके हैं इस विद्यालय में सामग्री वितरण के लिए। महापौर मेरे जब से मैं इस राजकीय प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर में हूँ तब से अपने निर्वाचन से पूर्व भी वो यहाँ विद्यालय में आते रहे, पेंसिल कापी और बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु काफ़ी सामग्री वितरित करते रहे। अब वो शहर के महापौर हैं तो हमने छोटी सी उनसे प्रार्थना की और उस प्रार्थना के एक दिन के अंतराल से वो विद्यालय पहुँचे, उसके लिए विद्यालय पूरे परिवार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद। और इस तरह का उत्साहवर्धन वो अपने दैनिक में करते रहते हैं। भैया आपका क्या कहना है गौरव गोयल जी की इस पहल को लेकर? मैडम गौरव गोयल जी बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे यहाँ पहली बार मेरे बने हैं, ठीक है जी, और उन्होंने बहुत मान सम्मान के साथ में बच्चों को अपनी जर्सी वो प्राप्त की है, बहुत अच्छा उनका व्यवहार है, बस बहुत अच्छा बिल्कुल। उन्होंने हमारे यहाँ गांव में पहली बार वो हुआ है जी, ठीक है जी। बस भैया क्या कहना चाहेंगे आप, अभी तो नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। अच्छा अध्यापक हैं स्कूल? ना तो गाँव से। गाँव से जी, बताइए तो गौरव गोयल जी की इस पहल को लेकर क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छा कदम है, यदि इसी तरह से सब जो प्राइमरी स्कूलों में ध्यान देते रहे ना, ये प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे मेरे अनुमान से। और खासकर यही ये जो यहाँ के गुरु जी हैं सब लोग जो है, खासकर रोहतास जी, रोहतास चैनी, इनका सबसे बढ़िया योगदान है यहाँ जो स्कूल को संभालने सबसे ज़्यादा, बस हमें तो यही नजर आते हैं, यही काम करते हैं, बाकी और सबका सहयोग बढ़िया है और सब बताएगा अध्यापक। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? बच्चों की जब हम स्कूल में आए, धन्यवाद, जब मैं स्कूल में आई और मैं क्लास में गई, कक्षा में गई, तो मैंने देखा कि जो यूनिफॉर्म बच्चे पहनते हैं उसका कोई सेंस नहीं है, बिकॉज स्वेटर जो है वो सर ने वितरित कर दिए हैं, लेकिन एक यूनिफॉर्म को लेकर क्यों कोई बात नहीं उठती? क्योंकि इसी किसी तरह घर की कैजुअल ड्रेस में ही आ जाना विद्यालय में ऐसे सही नहीं लगता, आपका क्या मानना है? हाँ, मैं मेयर साहब का बहुत आभारी हूँ, हमारे गाँव की तरफ से इन्होंने जर्सियाँ बाँटी हैं, तो मैं इनके लिए बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। बच्चों को इनको शिक्षा दी जाएगी कि ड्रेस में आवें और इनको आगे भी ड्रेस मिलती रहे, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? खड़ा हो जाओ। देखिए मेयर साहब पहले से भी, मेयर बनने से पहले भी ये काम कार्य करते थे, गरीब बच्चों को ये स्वेटर जर्सी सर्दियों के टाइम पे जो गरीब बच्चे हैं उनके पैसे नहीं हो पाते, तो ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है, हम इसकी सराहना करते हैं और आगे भी हम आशा करते हैं कि मेयर साहब ये करते रहेंगे। बहुत ही अच्छा लगा हमें ये काम देखकर। थैंक यू।